हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की तरफ से 26 वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून 2021 से शुरू हो चुकी हैं और आप 30 जून 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इन सभी 26 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे कौन कौन कैंडिडेट है जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन में कैंडिडेट के पास मेजर सब्जेक्ट्स के तौर पे बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग और मैथ्स एज ए मेजर सब्जेक्ट हैं और कैंडिडेट ने यहाँ पे 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, या फिर कैंडिडेट ने यहाँ पे इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन कर रखी है। साथ ही यहाँ कैंडिडेट को मिनिमम 5 साल का किसी भी बैंक में क्लेरिकल कैडर का वर्क एक्सपीरियंस है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट भी यहाँ इन सभी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की। इन सभी पोस्ट पे 21 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ जो क्रूशल डेट रखी गई है वो 1 अप्रैल 2021 रखी गई है। इसी तारीख के अकॉर्डिंग यहाँ सभी कैंडिडेट की उम्र जो है वो कंसिडर की जाएगी। यहाँ दोस्तों, इन सभी पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको सिक्किम स्टेट की कोई भी लैंग्वेज यहाँ आनी चाहिए। साथ ही यहाँ कैंडिडेट को जो है सिक्किम के लोकल कस्टम की जानकारी हो तो ही आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों, उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। ये सारे ही डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ डिपार्टमेंट को सबमिट कराने होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं आपकी सैलरी की। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे एट प्रेजेंट जो आपकी इनिशियली सैलरी रहेगी वो लगभग 57,000 रुपए रहेगी। यहाँ दोस्तों, इन सभी पोस्ट पे जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 150 रुपए रखी गई है। और यहाँ दोस्तों, उन्होंने इस नोटिफिकेशन में इन सभी 26 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी सारी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितनी सीटें जो है वो रिजर्व रखी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 2 फेजेस के एग्जाम के बाद होगा। फर्स्ट फेज में कैंडिडेट का रिटन टेस्ट लिया जाएगा और सेकंड फेज में कैंडिडेट का यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पहले फेज में जो कैंडिडेट का रिटन टेस्ट होगा वो कुल 200 नंबर का होगा। इस पेपर में कैंडिडेट से यहाँ पे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेपर को करने के लिए कैंडिडेट को कुल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यहाँ हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। इस पेपर में यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और ये रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। और इस रिटन टेस्ट को क्लियर करने के बाद यहाँ कैंडिडेट्स का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि कुल 25 नंबर का होगा। इन सभी 26 वैकेंसियों पे जो कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना है उसमें रिटन एग्जाम प्लस में इंटरव्यू, दोनों ही एग्जाम्स के यहाँ पे नंबर जो है वो काउंट किए जाएंगे। और यहाँ दोस्तों, इन्होंने जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे और उन सब्जेक्ट्स का क्या क्या सिलेबस कैंडिडेट से यहाँ पे पूछा जाएगा उसकी सारी डिटेल उन्होंने बताई हुई है। और यहाँ दोस्तों, उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइन बताई हुई हैं। इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपनी फोटोग्राफ की इमेज और अपने साइन की इमेज अपलोड करनी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।